हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग है पूरा मॉर्निंग रूटीन पे, जो कि मैं क्या कुछ करती हूँ मॉर्निंग रूटीन में वो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो में बने रहना, प्लीज़ एंड तक जरूर देखना वीडियो को स्किप किए बिना। तो यहाँ पे मॉर्निंग के 7 बज रहे और मैंने बहुत सारे काम निपटा लिए जो कि 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ बात इतनी सी है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं सुबह। सबको पता है, सारी मम्मियों का और सारी लेडीज़ों का अधिकतर यही रूटीन होता होगा। सुबह के 1 से 2 घंटे ना हमारे लिए मशीन वाले हो जाते हैं, जिसे हम मशीन लग जाए हाथ पाँव में, इस तरह से काम करते हैं। तो सुबह सुबह सब कुछ हो चुका था, नाश्ता पानी बन चुका था, पप्पा ऑफिस जा चुके थे और कस्सू को भी चाय पराठा खा लेते मेरे यहाँ नाश्ते में, बच्चे भी और हम सब चाय पराठा ही नाश्ता करते हैं। तो पप्पा 7 बजे ऑफिस चले गए थे, सो कस्सू की एग्ज़ाम चालू तो इसलिए वो 8 बजे जाती है, तो उसने भी चाय पराठा नाश्ता कर लिया था। यहाँ पे उसको बेसन के चीले ले जाने थे, तो बेसन के चीले मैं बना रही हूँ उसके लिए। और इसके बाद अभी हस्बैंड जी का और मेरे देवर का टिफ़िन बनाना बाकी था और नाश्ता भी बनाना बाकी था। सिर्फ इन 2 जन को सुबह सुबह जाना होता 7 बजे, तो इन लोग का पहले फटाफट से रेडी करते, पप्पा की टिफ़िन नाश्ता और कस्सू को नाश्ता टिफ़िन, उसके बाद फिर तैयार करके भेजने के बाद ही हम लोग का नंबर आता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, सब पूरा व्लॉग शेयर करूंगी मॉर्निंग का आप लोग के साथ। और प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग को भी क्या इतने सारे काम होते हैं या इससे भी ज़्यादा काम होते हैं। सो कमेंट किया करो यार, कमेंट का रिप्लाई मैं देती हूँ और मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। थोड़ा सा अपना सपोर्ट हम लोग पर भी बनाओ और अपना प्यार दो और थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी कस्सू का टिफ़िन बन के रेडी हो चुका है और इसके बाद फिर यहाँ पे लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। ये मैंने पेपर ऊपर कुछ भी नहीं रखा था टिफ़िन में क्योंकि एकदम ठंडे हो चुके थे और उसको पसंद भी नहीं, फेंक देती निकाल के, तो इसके लिए, और ज़्यादा ऑयल भी नहीं था इसमें। तो फटाफट से कस्सू स्कूल भेजने के बाद फिर से मैं आ गई किचन में, जो थोड़ा सा बैटर बचा था वो हम लोग के लिए बना रही थी और साइड में चाय बन रही है। इसके बाद फिर चाय पराठा हम सब के लिए बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बना के मैंने पैक कर दिया, उनका भी टिफ़िन पैक किया। अभी वो गए थे फ्रेश होने, तब तक फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता किया। और यहाँ पे मैं, मेरा बेटा हस्बैंड जी को बाय बोलने आए हैं क्योंकि वो ऑफिस जा रहे हैं, और ऑफिस से निकलने के बाद फिर मैं आ गई कृष्णा को मालिश करने क्योंकि इसको मालिश करके सुलाऊंगी, उसके बाद फिर घर की जो क्लीनिंग वगैरह काम है उसके बाद होता है। अब सिर्फ सुबह सुबह किचन का ही काम हो पाता है जल्दी जल्दी। सो यहाँ पे कृष्णा को मालिश करूँगी, उसके बाद फिर इसको सुलाऊँगी, इसमें आधा घंटा तो लग ही जाता है। और बच्चे के साथ बड़ा मैनेज करना बहुत ही बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो घर का काम तो सबका होता ही है, वही काम हमारा क्लीनिंग, किचन का काम, साफ़ सफाई और ये कपड़े बर्तन ये सारे काम करते हैं, लेकिन जो बच्चे का अलग से टाइम निकालना पड़ता है, उनको मालिश करना, उनको फीड कराना, दवा पिलाना, निलाना, तो यहाँ पे कृष्णा को मैंने सुला दिया मालिश करके। और इसके बाद फिर मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे क्लीनिंग वगैरह किए, कपड़ा वपड़ा धोए, सब सारे साफ़ सफाई किए। यहाँ पर मैंने देखो बेडशीट भी निकाल दी थी मैं यहाँ पर धोने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी और कान्हा उड़ गया था सो के, सोचा पहले इसको निला देती हूँ उसके बाद में नहाऊंगी क्योंकि फिर ना ये भिगो देता है। और वैसे मैं कभी कभी इसको बाद में निलाती हूँ, सो के उठता तब इसको निलाती हूँ, लेकिन आज जल्दी उड़ गया था। तो बच्चों का तो प्रॉपर रूटीन शेयर नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों का कोई भी रूटीन ऐसे मतलब एकदम टाइम टू टाइम नहीं होता है, कभी वो कुछ करते तो कभी कुछ करते, तो इसके लिए उनका रूटीन तो हो गया। साइड में आके मम्मी भी सो गए, मम्मी की आँख में दवा डाल दी थी, मम्मी लेटे हुए थे। तो यहाँ पे कृष्णा को रेडी करने के बाद फिर मैं नहाने जाऊँगी, थोड़ा बहुत क्लीनिंग का काम बाकी था लेकिन झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, सब हो गया था, बस थोड़ा सोफ़ा वोफा झरियाना था जो कि उस पर कवर ओवर झाड़ना पड़ता है, जो कि रोज़ का डेली का काम है। सुबह सुबह झाड़ दो तो अच्छा रहता है क्योंकि सुबह से सारे बच्चे जब TV देखते उसी पर खाते पीते रहते कुछ ना कुछ, तो गिर जाता है। इसके लिए मैं किचन में आगे रूम में आ गई हूँ अपने, यहाँ पर मैं बेड को अच्छे से झाड़ दूँगी। और कृष्णा बाजू में खड़ा, वो मुझे TV चालू करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने बड़ा इसको अच्छे से झाड़ देती क्योंकि एक बार सुबह क्लीन कर दो झाड़ देती है सारा दिन आराम से चलता है, जबकि छोटे बच्चे हैं तो पता ही आप लोग को सा वो बिखरा हुआ ही मिलता है, बट थोड़ी देर के लिए तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो कैमरा पकड़ रहा था कि क्या रखा है, सो यहाँ पे उसको मैं बिछा के और उसको सोफे पे बिठा दी हूँ। और TV मैंने चालू कर दिया, देखो कैसे रिमोट दे रहा है मुझे कि इसको चालू कर टीवी देखने बहुत ये ना बहुत टीवी देखने इसको बहुत पसंद आता, तो ये अभी TV चालू कर दिए देखेगा। मम्मी भी आके इधर ही बैठेंगे तब मैं चली जाऊँगी नहाने क्योंकि अकेले इसको छोड़ के जा नहीं सकते। यहाँ पर इसको मैं TV में चालू कर दूँगी कार्टून और ये आराम से शांति से देखता है। आजकल के बच्चे बड़े
टीवी के मोबाइल के बहुत शौकीन होते थे, यहाँ पे मैंने टीवी चालू कर दिया, अब ये टीवी दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया। ये मुझे ना ये चालू कर दी, डांट रहा था कि रिमोट दिखा रहा था कि कार्टून लगा दो, तो ये देख रहा है कार्टून देखेगा। फिर मैं गई फटाफट से नहाई, नहा के आगे सीधा मंदिर में पूजा करने। तो ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग जो मॉर्निंग का होता है, सुबह सुबह का रोज़ का काम। तो आप लोग को क्या कुछ करते हो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना और थोड़ा सपोर्ट करना प्लीज़ यार, जो भी चैनल पर पहली बार सब सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। फिर से मिलूंगे मैं आप लोग के छोटे से व्लॉग के साथ में। व्लॉग कैसा लगा कमेंट जरूर करना, मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ, कमेंट करने से हम बहुत ही मोटिवेट होते हैं। तो सो भगवान जी सबके घर में सुख शांति बनाए रखे और आप लोग की भी विश पूरी हो। सो चलिए ब्लॉग का यहीं पे एंड करते, फिर मिलेंगे आप लोग से।